मऊ के शहर कोतवाली क्षेत्र के जमिया उलूम मदरसे में छात्रों और प्रबंधक के बीच विवाद हो गया, जिसके बाद छात्रों ने मदरसे का गेट बंद कर प्रबंधक के खिलाफ प्रदर्शन किया और जमकर बवाल काटा। छात्रों का कहना है कि प्रबंधक और गेटमैन अपनी मनमानी कर रहे थे, जिसके खिलाफ हमने आवाज उठाई तो प्रबंधक ने छात्रों पर पत्थरबाजी भी करवा दी। मौलाना इफ्तखार साहब जो है, जो यहाँ के निगरा है, अपनी धांधली जमा रहे, उन्हें यहाँ से निगरानी से निकाला जाए, और जो मौलाना ये नदीम है गेट कीपर, इसको इस मदरसे से निकाला जाए। मसला ये है कि ये उसके कहने की वजह से बच्चों की कोई कदर नहीं करते हैं, स्टूडेंट का दाखिला काट देते हैं बगैर किसी प्रिंसिपल के इजाजत के, अपना जो चाहते हैं वो चलाते हैं। वहीं प्रबंधक ने बताया कि छात्र अपनी मनमानी करना चाहते हैं, इसलिए मुझ पर आरोप लगा रही हैं। सुबह में फजर में भी आया, कोई मसला नहीं था, और जब स्कूल खुला है ये सब ताला जो है दालो दिस का बंद कर दिए, खुले नहीं, उसी के बाद से ये हंगामा हो रहा है। तो अब हंगामे में क्या हुआ, बस वो मांग कर रहे हैं गेटमैन को जो है निकाला जाए, एक तहरीर भी दिया उन लोगों ने। वो पत्थर के बारे में तो मैं नहीं जानता, लेकिन मैं जो दफ्तर में था तो ये गेटमैन के बारे में दरख्वास्त उन सबों की पड़ी हुई है कि गेटमैन को हटाया जाए। तो अब कमेटी आएगी, ये फैसला तो कमेटी ही करेगी ना, ये फैसला तो जो कमेटी, चूँकि एक मैनेजिंग पार्टी है और मैनेजिंग पार्टी 20-25-30 आदमी उसमें हैं, बैठ करके ये लोग जो भी मुनासिब फैसला होगा करेंगे। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों पक्षों से बात कर मामले को शांत कराया। प्रबंध तंत्र से छात्र कुछ क्षुब्ध हैं, यहाँ के साई कटरा में, यहाँ चूँकि एक मदरसा भी बड़ा चलता है, तो ज़्यादातर बच्चे जो है बाहर से आके तालीम लेते हैं, तो इनके कुछ अपना इश्यूज़ हैं वार्डन को लेके और चौकीदार को लेके, तो इस संबंध में कुछ इनका प्रबंधन से विवाद हो रहा था, इसीलिए एहतियातन हम लोग आए हैं फोर्स लेके यहाँ पे, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट जगह है ये। तो छात्रों ने कुछ अपनी कुछ डिमांड्स जो हैं उसको रिटर्न में दिया है, और उनकी जो डिमांड्स है ये हम लोग प्रशासन को भी अवगत कराएंगे, और यहाँ के लोकल जो एडमिनिस्ट्रेशन है यहाँ का मदरसे का प्रबंध तंत्र है, बच्चों से मिलकर इनकी प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। आपको बता दें कि इस मदरसे में छात्र प्रदेश के सभी जिलों से शिक्षा प्राप्त करने के लिए यहां आते हैं, ऐसे में मदरसे में हुए इस बवाल के बाद कहीं ना कहीं छात्रों में प्रबंधक को लेकर काफी गुस्सा है। पंजाब केसरी टीवी के लिए मऊ से जाहिद इमाम की रिपोर्ट।